बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर को जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश प्रभारी जियालाल अहिरवार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जन समस्याओं को लेकर कलेक्टर महोदय के नाम रायसेन SDM मुकेश कुमार को ज्ञापन दिया। किस विषय में दिया सर ये ज्ञापन? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गरीब लोगों की बात को उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं जियालाल अहिरवार, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, सांची विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विधायक चुन के आए, विधायक के साथ में वो मंत्री भी हैं, करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद आज 75 साल की आज़ादी में हमें उधर चलने के लिए रोड नहीं मिल रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिल रहा है। जहाँ हाई स्कूल होना चाहिए वहाँ सरकार प्राइमरी से काम चला रही है, और रास्ता नहीं होने की वजह से बारिश में 4 महीने तो ना टीचर पढ़ाने जाते हैं और ना बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि रास्ता नहीं होना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। 75 साल की आज़ादी में हम 70 वर्षों से हमारे लोग वोट देते आए हैं, लेकिन उनको चलने के लिए रास्ता तक नहीं। इसके लिए हमने सांची विधानसभा क्षेत्र की जो ज़्यादा गंभीर समस्या थी उन लोगों को लेकर हम इधर कलेक्टर ऑफिस में आए, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन माननीय कलेक्टर साहब इधर मीटिंग में बिजी हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी इधर उनको ज्ञापन देने आए, उनके पास समय नहीं है। माननीय कलेक्टर साहब ने SDM साहब के इधर ज्ञापन के लिए भेजा, हमने उनको ज्ञापन दिया और माननीय कलेक्टर साहब से मांग की है कि सांची विधानसभा क्षेत्र में जो गंभीर समस्या है उन पर जल्द से जल्द एक्शन ले करके कार्रवाई की जावे, और अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम 15 और 20 दिन का समय देखते हैं, इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी इधर फिर जंगी प्रदर्शन कर कलेक्टर को घेरने का काम करेगा। शुभ नाम? जियालाल अहिरवार, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। भाई साहब, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं गौरव चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, जिला रायसेन। देखिए, रायसेन जिले में जो मंडीदीप का औद्योगिक क्षेत्र है, कहने को रायसेन जिले में बड़े पैमाने पर उद्योग क्षेत्र, उद्योग की कंपनियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लेकिन देखा जाए तो रायसेन जिले के जो मूल निवासी हैं उनको आज तक उन फैक्ट्रियों में काम नहीं मिला है, और काम मिला भी है तो दूसरे प्रदेश से जो आए हुए लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर वहाँ काम दिया गया है उन कंपनियों। पहले भी हमने इस मांग को कई बार उठाया है, लेकिन इस पर प्रशासन की तरफ से कोई आज तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। और रायसेन ज़िले में जैसे अभी हमारे माननीय प्रदेश के प्रभारी जी माननीय जियालाल जी ने इन गंभीर समस्याओं से अभी माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया, आने पर हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उन पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। जुआ सट्टा दारू, आज बड़े पैमाने पर शराब आपकी तो शराब माफिया खुलेआम शराब का धंधा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे, तो हम चाहेंगे कि इन पे भी अंकुश लगाया जाए। रायसेन से विमलेश कुमार की रिपोर्ट।